हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो कि अभी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और आफ्टर स्टडिंग वो कहीं प्रोजेक्ट पे जाएंगे एज ए साइट इंजीनियर। ये ज़रूर है कि आप स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर जाओगे, बट दोस्तों यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो रियली आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप फ्रेशर जुड़ जाओगे बट ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग से दो दूनी चार सिखाएंगे वहाँ पे। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीज़ों का आपको ज्ञान होगा तो आपको आगे जो आप जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज की मेरी ये वीडियो है, छोटी वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का घंटा, उसे जरूर प्रेस कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, कुछ मैंने इसमें इस वीडियो में मैंने कुछ ये हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं का मैं टोटल आपको उसके बारे में बताऊँगा कि क्या क्या जो मेन पॉइंट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो उसका जो वाटर एब्जॉर्बेशन नॉट लेस देन 15-20%, ठीक है दोस्तों। उसका जो वाटर है उसको हम वाटर को उसे भिगोते हैं तो उसका जो वाटर ऑब्जर्व पानी जो पीती है ब्रिक उसका 15-20% होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें टोटली आप नोट कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने लास्ट तक जो जो पॉइंट लिखे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं और आफ्टर स्टडिंग आप प्रोजेक्ट पे कहीं पे जाने वाले हैं, आपकी प्लानिंग हो गई है, तो इन चीज़ों का आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आप प्री प्लानिंग कर सको, बी एडवांस रह सको। अगर एडवांस नहीं होगे दोस्तों तो यकीन मानिए आज का जो इतना कंपटीशन है इस लेवल में कि आप बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। तो बी एडवांस कि आप स्टडिंग टाइम से इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना सीख लीजिए, जो कि आपको आने वाले प्रोजेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये वाटर का हो गया, ब्रिक का हो गया कि 20 से मतलब 15-20% होता है, ठीक है। और मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm, मतलब कि 5 inch की जो थिकनेस होती है जो स्लैब की वो मिनिमम होती है, इससे कम नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। जो मिनिमम जो स्लैब की जो थिकनेस होती है वो 5 inch होती है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ प्लास्टर नॉट मोर देन 12 mm, ठीक है। जो थिकनेस होती है प्लास्टर की वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होती दोस्तों। अगर जो 12 mm से ज़्यादा जो थिकनेस जब होती है तो क्या होता है, प्लास्टर कमज़ोर हो जाता है, वो उसमें जो थोथा बजाता है। जैसे कि अभी आप देख लेना कि क्या है, जब मिस्त्री ब्रिक वॉल पे प्लास्टर करता है, देन आफ्टर क्या करता है, उसको सावलिंग ना होने की वजह से उसके ऊपर क्या है, उसको प्लास्टर में उसको लेवल करने की सोचता है। अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्लास्टर चढ़ाएगा, एक तो क्या है, उसमें मेटल ज़्यादा लगेगा, उसमें क्या होता है, वो जो प्लास्टर होता है उसमें इतनी मजबूती नहीं, स्ट्रांगनेस नहीं होती, उसमें इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो थोता रह जाता है। तो उसकी जो थिकनेस है, हर एक चीज़ का एक लेवल होता है, तो उसकी जो थिकनेस है मैक्सिमम 12 mm होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो थिकनेस है प्लास्टर की 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ में जो पॉइंट है, नॉलेज ऑफ मेजरमेंट टेप लाइक स्क्वेयर फीट। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेजरमेंट अगर आपको प्रोजेक्ट पर जाना है आफ्टर स्टडिंग, तो आप अभी से अगर आप स्टडी करें तो रियल मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मेजरमेंट जो टेप होता है फीता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको पढ़ना सीख लीजिए, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपका इन मेजरमेंट टेप के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर आपको मेजरमेंट टेप के ऊपर पकड़ नहीं है तो रखिए मानिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी जो कि आपको आगे जाके परेशान करेंगी। तो अभी से आप मेजरमेंट टेप को अपने पास रखिए, मतलब कि 5 meter का, 10 meter का, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिए कि जैसे स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा लिख भी देता हूँ। जैसे स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में चेंज कर लीजिए, 10.76 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में। अब थोड़ा ये भी है, क्यूबिक फीट को क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 35.31 इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक इंच में कितने मैम होते हैं, ये 25.4 होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के ये है कि इसमें मतलब कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने mm होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आप मेजरमेंट टेप के ऊपर पकड़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेजरमेंट टेप एक बहुत बड़ा पार्ट है
क्योंकि आपको हर चीज़ की मेजरमेंट करनी होगी, आपको अगर ये कन्वर्ट सेशन नहीं आएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो बी एडवांस, अभी आप स्टडिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट अभी से ही जो मेजरमेंट टेप है उसको अच्छे से रीड करना सीख लीजिए। बाकी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेन बार कैसे होती हैं। जैसे एक बार ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, कुछ बार ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है ना। ये मेन बार होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। कब हमें कॉमन सी बेसिक सी चीज़ें हैं इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेआउट, लेआउट क्या होता है दोस्तों, लेआउट का आपने सुना भी होगा, अगर आप फ्रेश हैं तो आपको लेआउट के बारे में नहीं पता होगा। लेआउट क्या होता है, एज पर ड्राइंग जो चीज़ मेंशन होती है ड्राइंग पे, उसको ज़मीन पे उसी उसमें डायमेंशन में उसको मतलब जो बनाना होता है तो उसी को हम लेआउट करते हैं, कि उसको रंगत बोलते हैं। कि जैसे ये दीवार उसमें जो ड्राइंग होती है उसमें मतलब कि 10 फीट की है ये बननी है, और ये भी 10 का है, 10x10 का है, तो उसमें गिवन होता है ड्राइंग में ऐसे। तो ये यही जो ज़मीन भी है तो ड्राइंग में होता है मेंशन, ऐसे तो आपको जो भी ड्राइंग मिलेगी उसमें गिवन मिलेगी, बट यही चीज़ आपको ज़मीन में जहाँ पे आपके साइट है स्पॉट पे आपको ये रंगत करनी होगी चूने के साथ जैसे भी, तो उसकी एक्सेशन करा के जो भी है फाउंडेशन बना के वो होता है, ठीक है। लेआउट होता है कि रंगत करना, ठीक है, जो भी आपकी डायमेंशन उसमें मेंशन है ड्राइंग में उसी को ज़मीन पे जहाँ पे आपकी साइट है उसी को वहाँ पे मतलब की रंगत करना, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग डीड दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ड्राइंग डीड करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइंग डीड नहीं करनी आती तो दोस्तों आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो स्टार्टिंग से ही जो ड्राइंग पे आपने पकड़ बनाने सीखी है, ड्राइंग को समझना सीखिए, ये नहीं है कि जैसे आप बाद में जब साइट पे होगे जब भी सीखोगे, नहीं नहीं, आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा इस चीज़ों को मतलब कि एडवांस लेके चल सकते हो। कि आपको जैसे आपको कहीं से नेट से आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग मिलती है या कहीं से कुछ मिलता है, अगर फिर भी काम चल रहा है आपके आसपास में, तो आप जो जहाँ भी काम चल रहा है तो वहाँ पे जाके थोड़ा ड्राइंग को रीड करना मतलब कि सीख सकते हैं। वैसे ही तो आपको साइड से ही मिलेगी नॉलेज, बट आप अगर एडवांस रहेंगे तो दोस्तों एडवांस रहने वालों का ही ज़माना है आज के टाइम पे, जो एडवांस नहीं रहता वो दोस्तों पिछड़ जाता है, रियली बता रहा हूँ आपको। तो ड्राइंग रीड करना ज़रूर सीखिए, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके एलिवेशन होते हैं, प्लान होता है, सेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ों को रीड करना सीखिए प्लीज़। और आपको फाउंडेशन का भी बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। आपने किताबों में पढ़ी है कि फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है, जैसे 2 प्रकार की होती है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में कौन सी फाउंडेशन आती है, फोटिंग आती है, राफ्ट आती है, क्या क्या आती है, तो ये चीज़ जो आप नॉलेज से आपको बिल्कुल जबानी याद होनी चाहिए चीज़ें फाउंडेशन के बारे में, कौन सी फाउंडेशन की कहाँ पर सोयल की, सोयल का जो मतलब कि सोयल किस टाइप की है। तो सोयल के बारे में आपको बताया था, सोयल का भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर होता है कि सोयल जैसे जहाँ की जो लोड बिल्डिंग कैपेसिटी सोयल की ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या है डीप फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सोयल की कंप्रेशन स्ट्रेंथ कम होती है तो वहाँ पे उसके जो टेक्निक्स हैं वो आपको गिवन मिलेगा। कि जैसे जो सोयल होगी वहाँ पे आपको गिवन होगा कि राफ्ट डालनी है, क्या करना है, तो उस चीज़ों का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये भी आप बहुत मतलब कि अपने माइंड में लेकर चल सकते हैं, आगे आपको फ्यूचर में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एडवांस रहिए बिल्कुल, अगर आप एडवांस नहीं हैं दोस्तों तो आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट नंबर, तो फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड मैक्सिमम 1.5 मीटर, ठीक है। जो कंक्रीट जो हम डालते हैं वो उसकी जो डालने की जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब तकरीबन 5 फीट, ठीक है दोस्तों। जो कंक्रीट हम डालते हैं वो 5 फीट से ऊपर से नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज ऑफ ब्रिक्स, थोड़ा मैं ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं दोस्तों, मतलब कि मेटल पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, एक तो ब्रिक हो गया, और उसके बाद सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, और कंक्रीट हो गया। ये 4 चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल अपनी पकड़ इतनी अच्छी से बना लीजिए दोस्तों स्टार्टिंग से ही। अगर आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये 4 मेटल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ ब्रिक थोड़ा बता देता हूँ, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो ब्रिक की जो डायमेंशन है 19×9.9 सेंटीमीटर, 19 लेंथ, चौड़ाई 9, थिकनेस 9, ठीक है, ऑल इन गिवन इन सेंटीमीटर। इसका जो वेट होता है अप्रोक्स 3 kg होता है एक फर्स्ट क्लास ब्रिक का,
और दोस्तों जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी है, इसकी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है इसकी। ये भी कई बार क्यों मामला आ जाता है पूछने में कि इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हम उसको टेस्टिंग के लिए मशीन देते हैं तो किस मतलब पावर पे देने पे वो ब्रेक होती है, तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी 15 to 20% होती है, ठीक है। वेट ऑफ सीमेंट बैग, दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेट सीमेंट का जो बैग होता है उसका वेट जो होता है वो 50 kg होता है। उसका यूनिट वेट कितना होता है सीमेंट का, 1440 होता है, ठीक है। यूनिट सीमेंट बैग होता है, वेट होता है 50 kg, यूनिट वेट होता है 1440। अब इसका हम वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक फीट में, ठीक है दोस्तों। अगर हमें एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक फीट में, तो हम क्या करेंगे, 50 को हम उसके यूनिट वेट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जो उसको आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। तो 50 डिवाइड बाई 1440 0.0347 ये आ गया क्यूबिक मीटर। अगर हमने वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक मीटर में, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्यूबिक मीटर बैग का, तो ये आ जाएगा 0.0347। अगर हमने क्यूबिक मीटर नहीं निकालना, हमने निकालना है क्यूबिक फीट, तो हमने क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए क्या है, 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है क्यूबिक फीट 1.226, ठीक है, ये क्यूबिक फीट आएगा फीट, ठीक है। सो अगर हमने खाली निकालना है क्यूबिक मीटर, तो हमने क्यूबिक मीटर क्या कहता है 50 डिवाइड बाई 1440, तो आ जाता है 0.0347। ये एक बैग का वॉल्यूम होता है, लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए कि एक सीमेंट के बैग का जो वॉल्यूम होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सीमेंट के बैग का वॉल्यूम क्या होता है, 0.0347 क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक फीट में किसी ने पूछ रखा है तो 1.226। निकालना कैसे, प्रोसीजर मैंने आपको सारा क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ भी क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई होप मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसके बाद लैपिंग, थोड़ा लैपिंग इज नॉट अलाउड मोर देन 36 mm, जो स्टील की जो बार होती है, सरिया जो होता है वो 36 mm से ऊपर में लैपिंग अलाउड नहीं होती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। और स्टील बार इन स्लैब नॉट बी लेस देन 8 mm, जो स्लैब में हम स्टील का जो बार यूज़ करते हैं 8 mm से कम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मैन बार 10 mm, प्लेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार नॉट लेस देन, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। और इन सोइल फिलिंग एज पर आइस कोड 3 samples शुड बी टेकन फॉर कोर कटिंग टेस्ट इवन 100 square meter, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग होती है सोइल की, उसमें 3 samples देते हैं हर 100 square meter में, ठीक है दोस्तों। ये कोर कटिंग के लिए, इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, उसमें मॉइस्चर कितना है, सारी चीज़ें, मतलब जो सोइल की भी टेस्टिंग के कई प्रकार की होती है, उसकी स्ट्रेंथ की भी होती है, मॉइस्चर कितना है और किस टाइप की सोयल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टेस्ट लिए जाते हैं कोर कटिंग के, तो 3 samples लिए जाते हैं, एक मतलब कोर कटर होता है उसमें जमीन में डाल के उसके अंदर जो सोयल आती है उसमें उसकी एक मीटर टाइप में होता है, वो उससे उसकी पता चलता है कि मॉइस्चर कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सब टेस्टिंग के लिए उसको लेबोरेटरी भेज के होता ही सर, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप ये आपको प्री प्लानिंग करके ही, इसमें कुछ तो ऐसे हैं कि आपको साइट पर जाने की बात मतलब कि आपको पता चलेगा, बट कुछ ऐसी हैं जैसे मेजरमेंट टेप हो गया, ठीक है, मेजरमेंट टेप हो गया और ड्राइंग का, जैसे आपके कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ वर्क भी हो रहा है, अगर वहाँ पे ड्राइंग है तो आप ड्राइंग स्टार्टिंग से ही इसको मतलब लाइटली ना लेके थोड़ा उसको समझने की कोशिश करोगे, जो कि आपको आगे आने वाले उसमें साइट पे मदद मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, आई होप अगर आप फ्रेशर हैं, अब स्टडिंग करें हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में लेकर चलिए, ताकि आपको आने वाले आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे। और एडवांस लेना बहुत बहुत जरूरी दोस्तों, मेरी तो वही कोशिश है रियलिटी कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बताने वाला होता तो रियली हमें हेल्पफुल होती, बट नहीं था उस टाइम पे। तो अपनी यही कोशिश रहेगी दोस्तों अपनी वीडियो के माध्यम से, कि जो जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेरे दोस्तों को हेल्पफुल हो, आपको आगे मदद मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।